से एक साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और मैं यहाँ आप लोगों के बीच में जब आया था तो मैंने एक बात कही थी कि मेरे दादा स्वर्गीय राव भाई सिंह पहली बार सन 1952 के अंदर इसी धरती से विधायक बने थे। उसके बाद सन 1989 के अंदर मेरे पिता यहीं से विधायक बने और लगातार आप लोगों ने उनको 6 बार विधायक बनाया। और मैंने भी एक बात यहाँ से कही थी कि मुझे पीछे मत छोड़ना, आप लोगों ने मुझे पीछे नहीं छोड़ा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि पिछले चुनाव जब विधानसभा के हुए तब मीडिया ने एक प्रचार चलाया पूरे प्रदेश के अंदर 75 बार का, और उसी वजह से 3-4 विधायक अगर और हमारे आगे होते तो यहाँ पर हमारी सरकार होती। पर अब मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी सुनी है और वरदान के रूप में ये चेयरमैनी के चुनाव करवाए हैं। आप सभी जानते हैं कि शहर में जो भी विकास होते हैं वो कमेटी के जरिए होते हैं, चाहे खस्ता हालत हो सड़कों की, चाहे बेसहारा पशुओं की समस्या जो है जिसके वजह से आए दिन आप देखते हैं कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, स्ट्रीट लाइट बहुत जगह नहीं हुई हुई है, बहुत जगह आप सब जानते हैं कि रिवाड़ी के अंदर जो पानी भर जाता है उसकी समस्या हम लोग देखते हैं, कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो हम सब जानते हैं। और अगर इन सब समस्याओं का अगर कोई इलाज है तो वो एक ही इलाज है कि भाई चेयरमैन हमारा बने। आप जानते हैं कि आप लोगों ने विधायक तो विपक्ष का चुन लिया और जो और प्रत्याशी है चाहे भाजपा के हो चाहे निर्दलीय हो, वो एक ही बात हर जनसभा के अंदर कहते हैं कि अगर वो चेयरमैन बने तो वो विधायक के साथ तालमेल बनाएंगे। पर हम कहते हैं जब आपका बेटा यहाँ से विधायक बना हुआ है तो हम क्यों किसी और से तालमेल बनाए, हम अपना ही चेयरमैन बनाएंगे और सारा काम यहाँ से करेंगे। आप सभी जानते हैं कि काम बताने की जरूरत तो कप्तान साहब ने जो पिछले 10 साल जब मंत्री रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार रही तो अनेकों काम रेवाड़ी शहर के अंदर कराए गए, चाहे आपका ट्रॉमा सेंटर हो, सिविल हॉस्पिटल हो, 2 गवर्नमेंट कॉलेज बनाए गए, आपकी जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है वो भी उस समय की देन थी, आप देखिए जो नहरों का जाल बिछाया गया, सड़कें बनाई गई, ओवरब्रिज बनाए गए, वो सब उस वक्त बनाए गए। आपके शहर के अंदर जो 32 कम्युनिटी सेंटर हैं वो उसी दौरान बने। आप मुझे बताएं कि पिछले 6.5 साल के अंदर जब यहाँ सरकार रही है एक भी अगर कम्युनिटी सेंटर इन्होंने बनाया हो तो आप मुझे बता दें। अब भाजपा अपना लेके आई है घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र के अंदर वो कहते हैं कि वो ओवरब्रिज बनवाएंगे, नया बस स्टैंड बनाएंगे। कोई भाजपा वालों को बताओ कि जी चुनाव जो हो रहे हैं वो कमेटी के हो रहे हैं, विधायक के नहीं हो रहे हैं। ये काम तो विधायक का होता है, इनको ये नहीं पता कि चेयरमैन का काम क्या होता है, ऐसे ये चेयरमैन बनेंगे। जिन लोगों को ये नहीं पता कि कमेटी का दफ्तर कहाँ पर है, वो क्या इस इलाके का, क्या वो इस शहर का विकास कर सकते हैं, आप मुझे खुद बताइए। तारीख को आप वोट डालने जाएं तब आप जरूर सोचिएगा कि जब हमारी सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दौरान, जब कप्तान साहब यहाँ मंत्री थे, तब आप लोगों के लिए क्या विकास यहाँ पर हुए थे और क्या इन पिछले 6.5 सालों के अंदर हुए। मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे तब उन्होंने कहा कि मैं जड़ से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। कोई मुख्यमंत्री जी को बताओ कि 6.5 साल से तो आपकी सरकार थी, आपने भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म किया। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो उस कमेटी के दफ्तर के अंदर है। और मेरी तो पिछले 1 साल में जब आपने मेरे को विधायक चुना, मैंने हर मंच के ऊपर आपकी आवाज उठाई, चाहे एम्स मरेठी की बात हो, चाहे बेसहारा पशुओं की बात हो, चाहे रिवाड़ी के खस्ता जो सड़कें हैं उनकी बात हो, चाहे हाउस टैक्स का मामला हो, हर आवाज को मैंने विधानसभा के अंदर उठाया, आपकी आवाज कहीं भी मैंने दम नहीं दी थी। और एक और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए जी हमारा परिवार तो पिछले 40 साल से आप लोगों की सेवा कर रहा है,
हमारे ऊपर ना कोई दाग है ना हमारी छवि। आप सब जानते हैं कि हमारे दरवाजे 2400 घंटे सभी के लिए खुले रहते हैं। और इसी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि अगर विक्रम यादव जी यहां से चेयरमैन बनती हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और ये तालमेल बनाकर काम करेंगे, आपके शहर का विकास होगा। ये वादा मैं आप लोगों से यहां पर करके जाऊंगा। विक्रम यादव, विक्रम यादव। इसके साथ साथ बहुत सारे साथी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, जिनकी हम मदद कर रहे हैं उनकी भी आप मदद करो। मेरे भाई परवीन यहाँ से 3 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, इनका भी साइकिल का निशान है, इनका भी आप लोग सहयोग करें। और इतनी भारी संख्या के अंदर आप जो यहाँ पर आए हैं, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि 27 तारीख का चुनाव है। सच बताना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि आज 30 तारीख हो गई है और जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। यही मैं आज आप सबको कहने आया था। अंत के अंदर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और जितने भी उनके साथ नेता यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हमारे प्रत्याशी का जो हिम्मत बढ़ाई, जो हमें ताकत दी, उसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। आज सब लोग जो इतनी भारी संख्या के अंदर आए, इसके लिए सभी बुजुर्गों का, मेरी माताओं का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सब हाथ उठाकर एक नारा दे, भारत माता की जय।